हेलो एवरीवन, चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया टेस्टी सी बूंदी, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से और बिल्कुल 5 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और दही की कढ़ी बनाते हैं। तो सबसे पहले कढ़ी के लिए घोल की तैयारी कर लेते हैं। थोड़ी सी गाढ़ी दही ली मैंने और घर की ही दही है, उसमें 1 कटोरी बेसन डाला, अच्छे से मिक्स कर लिया। इसको हम करा देंगे अब रेस्ट, लम्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। 1 कटोरी ली, फिर उसमें 2 से 3 चम्मच आपको बेसन ले लेना है। मैं यहाँ डाल रही थी तो थोड़ा सा गिर गया, मतलब बिना गिरे तो मुझसे कुछ काम होता नहीं। 1 चम्मच ऑयल डालना है और साथ में थोड़ा थोड़ा सा करके ना पानी डालते जाना है। पहले ऑयल को अच्छे से मिक्स कर देना और ना पानी डालना है थोड़ा थोड़ा, जैसे आधा कप पानी आ गया था इसमें, आधा कप से थोड़ा कम पानी आ गया था। और धीरे धीरे करके मिक्स करना है, मतलब ना ज़्यादा गीला हो और ना ज़्यादा टाइट हो। बहुत परफेक्ट तरीके से इसका घोल बनाना पड़ता है, क्योंकि जो बूंदी है ना, हम बना रहे हैं कलछरी से, क्योंकि सांचा है नहीं, कलछरी से बना रहे हैं, तो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी ध्यान देनी पड़ती है, अदरवाइज़ वो बिगड़ जाता है। मैं बहुत ध्यान दे के बना रही थी, इसलिए मैंने तो कान्हा जी का नाम लिया और मैंने कहा चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। मेरी मम्मी तो बहुत ही परफेक्ट, बहुत अच्छी बनाती हैं और वो तो चम्मच से ही बना के, मतलब बना लेती हैं बूंदी छोटी छोटी सी। हमने कहा चलो हम थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, कलछरी से बनाते हैं। और ये देखिए घोल हमारा बिल्कुल प्रिपेयर हो गया। अब आपको जैसे अगर 5 मिनट में बनाना तो आपको अच्छे फेंट लेना है, मतलब पूरे तरीके से फूल जाए बेसन इस तरीके से। और अगर आपको थोड़ा सा टाइम नहीं है फेंटने का तो आप रेस्ट करा दीजिए, तो सोडा डाल दीजिए। और ये ली मैंने अपनी कलछरी, आपके पास कोई भी, आपके पास थाली हो ना, चावल वाली होल वाली, उसमें भी आराम से बना सकते हैं। और ना इसको ऐसे मूव कराते जाना है, ये जो कलछरी है ना, सब जगह मूव कराना है। एक जगह करोगे ना तो वो एक जगह थोड़ा सा गट्ठा टाइप का बन जाएगा। खैर हमने ऑयल डाला है ना तो वो गट्ठा टाइप का बनेगा नहीं, वो अलग अलग हो जाएगा, बट बहुत परफेक्ट, बहुत अच्छी बूंदी बन के तैयार होती है। और गैस को मीडियम रखना है, मीडियम टू लो रखना है, तेज़ तो बिल्कुल नहीं करना है। अच्छे से सिक के तैयार हो जाएगी, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मुझे तो 5 मिनट भी नहीं लगे बनाने में, 5 मिनट से भी कम टाइम लगा है। और आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं ना, वो आप ले सकते हैं, जैसे मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आराम से बन के तैयार हो जाता है, हमारा घोल भी बढ़िया वहाँ पर फूल गया है और यहाँ हमारी जो बूंदी है ना वो तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, एक चीज़ याद रखना, जो हम कलछरी से निकालेंगे, मतलब जो कलछरी हम यूज़ कर रहे हैं ना बूंदी बनाने में, तो उस कलछरी में एक चीज़ ध्यान देनी है कि एक बार बनाने के बाद, ये बूंदी डालने के बाद, और पीछे से ना साफ़ कर लेना है, पीछे से और आगे से, या तो हाथ से या तो सूखे साफ़ सुथरे कपड़े से साफ़ कर लेना है, ताकि अगली बार जो है अच्छे से बूंदी बन जाए, नहीं तो होल जो है बंद हो जाते हैं तो फिर बूंदी परफेक्ट नहीं बनती है, इस तरीके से गोल गोल शेप नहीं आता है। हमारी ये वाली बूंदी रेडी हो गई है, ये देखिए थोड़ी सी खरी कर दी मैंने हल्की सी, अब थोड़ा सा कम सेकूंगी, लेकिन बहुत परफेक्ट, बहुत अच्छी बनके तैयार हुई है। और अभी मैं हाथ से भी बताऊंगी, ये जो है ना ये बिल्कुल आपको साफ़ कर लेना है, आप चाहो तो दोनों तरफ साफ़ कर लेना, ताकि होल क्लियर रहे, उससे क्या है अच्छे से बनेगी। और मूव करते करते ही आपको बनाना है, और ऐसे मतलब आप ना चम्मच को ऊपर नीचे कर सको ना, थोड़ा ऊपर नीचे मूव तो भी कर सकते हो, बट ध्यान देना पड़ेगा घोल का, घोल यहाँ वहाँ ना गिरे, और थोड़ा बिल्कुल कंसिस्टेंसी सही रहे। कंसिस्टेंसी सही रहती है तो बहुत अच्छी बूंदी बनके तैयार होती है, और कुछ ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस ऑयल ज़रूर डालना पड़ता है। और ये देखिए ये वाली बूंदी भी हमारी बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो गई है, और इसको भी मीडियम गैस पर ही सेका है हमने, और इसको भी ऐसे करके हम निकाल लेंगे। ये देखिए, ये पता मैं पहली बार ही बना रही हूँ, मैंने कभी बनाई नहीं है, मम्मी की बस अनुशासन पर चल के ही मैंने बनाई, उनसे फ़ोन करके पूछा और उन्होंने मुझे बिल्कुल ऐसे ही बताया, वैसे ही बनके तैयार हो गई। फिर डाला सरसों का तेल, अच्छा गरम किया, जैसे धुआं निकलने लगा तो गैस को स्लो कर दिया, डाली 2 चुटकी हींग ज़रूर डालना है, और साथ में डाला मेथी दाना 1/2 चम्मच, और साथ में डाली है 1/2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा राई, कड़ी पत्ता हो हरी मिर्च हो तो ज़रूर यहीं पर डाल देना, मैं भूल गई थी डालना। फिर हमने जो घोल प्रिपेयर किया था उसको डाल दिया, और साथ में हमने थोड़ा सा पानी डाल देना है, ताकि उसकी कंसिस्टेंसी सही रहे कढ़ी की, क्योंकि बेसन डालते हैं तो वो गाढ़ा हो जाता है। हल्दी पाउडर भी हम यहाँ पर डाल देंगे, लेकिन हमने नमक इसीलिए नहीं डाला क्योंकि हम दही की कढ़ी बना रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा दही है तो मतलब फटने का थोड़ा सा डर रहता है, इसीलिए हम बाद में ही नमक डालेंगे। खैर मैंने बीच में डाल दिया था, बट अच्छी कढ़ी बनी है। इस तरीके से आपको अच्छे से मिक्स करके और चढ़े रहन देना है 15-20 मिनट तक, जैसे ही उबाल आने लगे तो स्लो करके घुमाते रहना कंटिन्यूअसली, लेकिन चलाते रहना, क्योंकि कढ़ी में एक दिक्कत रहती, अगर भूल जाओ तो नीचे लगने का डर रहता है, इसलिए बीच बीच में चलाते रहना चाहिए। बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि 2-3 घंटे में कढ़ी बनती है, तो मैं 2-3 घंटे की वीडियो थोड़ी ना डालूंगी, मैं 8 मिनट की 1 मिनट का शॉर्ट डालती हूँ वही डालूंगी ना, और 2 घंटे का वीडियो थोड़ी मैं कढ़ी का डालती रहूँगी। मैं तो बता देती हूँ, हल्का फुल्का डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ, बाकी आप लोग तो जानते हैं बनाना, लेकिन जिसने भी मुझसे बोला है
तो मैं अगली बार ट्राई करूँगी कि 2 घंटे का वीडियो डालूँ। बाकी हमारी कढ़ी बनने वाली है और मतलब उबाल आ गया, अब हम इसमें नमक डाल देंगे। लगभग मैंने इसको 1/2 घंटे अच्छे से पकाया है पूरे तरीके से, और ये कढ़ी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 1 कटोरी दही की कढ़ी है, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा कढ़ी है नहीं है, इसीलिए मैं उसी हिसाब से बनाऊंगी। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 45 मिनट ही लगा होगा। हमारी कढ़ी जैसे ही पक जाएगी तो हम अपनी बूंदी जो हमने रेडी करके रखी है उनको हम डाल देंगे यहाँ पर, और अच्छे से इसको थोड़ा सा चढ़ाना है यहाँ, मतलब 1 मिनट के लिए ही, क्योंकि बूंदी से वैसे भी सॉफ्ट हो जाता है और कढ़ी भी बन के रेडी हो गई है। और थोड़ी देर चढ़ा के और अब हम करेंगे अपने तड़के की तैयारी, क्योंकि क्या किया था मैंने स्टार्टिंग में ना, हरी मिर्च डाली नहीं और मैं भूल गई, तो अब हम लाल मिर्च से तड़के की तैयारी करेंगे। थोड़ा सा घी या ऑयल डाल के, आपको जो सही लगे आप ले सकते हैं, अच्छा सा गरम करके हींग डाल देना और साथ में 1/2 चम्मच राई डाल देना। और मुझे इस तड़के से ना बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं सही बताऊँ बहुत उचकता है इसलिए, और लाल मिर्च से मैंने तड़का लगाया है आज, मैंने कहा आज तो कड़ी लाल मिर्च से ही बनाएंगे, तीखी नहीं लगती है, तड़का अच्छा सा लग जाए ना, मिर्च अच्छे से भुन जाती है ना इसमें ऑयल में, तो ज़्यादा तीखा नहीं लगता है। हमारी कड़ी भी पक के रेडी हो गई है, हल्की सी ठंडी भी हो गई है, और तड़के में हम जो हमने बनाया तड़का वो डाल देंगे, खूब सारा हरा धनिया डाल देंगे। ट्राई करना, बहुत पसंद आएगा एक बार वीडियो, और सब्सक्राइब भी करना अगर पसंद आता है, कमेंट करके भी मुझे बताना, कुछ कमी हो तो ज़रूर कमेंट करना कि ऐसे करके और भी आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं। कड़ी पत्ता था नहीं इसलिए मैंने नहीं डाला है, बाकी ट्राई करना, बहुत अच्छी कड़ी बनी थी। बूंदी ऐसे बनाना आसान है, साँचा नहीं होगा तो इसी तरीके से बना लो, सबसे आसान तरीका है। बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके मुझे बताना। थैंक यू सो मच।